हाय बच्चों, मैं प्रकाश खंडेलवाल, जीएस फैकल्टी, दून डिफेंस एकेडमी, देहरादून। बच्चों, आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का सेट 3 लेके आए हैं। लगातार हम आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट कराते आ रहे हैं और उसी क्रम में अब हम हमारे नए एग्ज़ाम के लिए अब सितंबर 2023 करंट अफेयर्स सेट 3 को लेके आया हूँ मैं आपके लिए। अब जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम होगा अप्रैल में, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अब जो आपका करंट अफेयर्स यहाँ से आपको दिया जाएगा बच्चा, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए रहेगा। इसलिए बहुत अच्छे से इन करंट अफेयर्स को तैयार करिए और जितने भी सवाल हम आपको एडिशनल भी समझाते हैं, एडिशनल भी बताते हैं, उन पर फोकस किया करो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ों के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 को चेक करेंगे। सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहां पे लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए। वेयर वॉज द 20th आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड। ये आसियान ग्रुप्स की मीटिंग है। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई, क्वेश्चन ये था। सिंपल सा वर्ड आपके सामने दिया हुआ है, 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक, मतलब इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। ये आर्थिक बैठक है, ये कहाँ आयोजित की गई है, क्वेश्चन ये है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा, इंडोनेशिया में आयोजित की गई है। आसियान और भारत, आसियान के जो ग्रुप देश हैं, आसियान के जो ग्रुप कंट्रीज हैं, उन देशों की और भारत की कंप्लीट आर्थिक मंत्रियों की, जो इकोनॉमिक जो मिनिस्टर्स हैं आपके, उनकी मीटिंग कहाँ आयोजित हुई है। तो इसका आंसर हो गया इंडोनेशिया। बट इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट आपको पता हो, आसियान कितने देशों का ग्रुप है ये आपको पता हो, आसियान में कौन कौन से देश हैं ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुई है बच्चा, इंडोनेशिया कंट्री का नाम है, प्लेस का नाम आप लिख सकते हो, सेमारंग में हुई है। कहाँ हुई ये, सेमारंग इंडोनेशिया, ठीक है बच्चा। ये वो प्लेस का नाम है जो इंडोनेशिया के अंदर है, सेमारंग में हुई है। और इस मीटिंग को करने का मेन मकसद क्या रहा, क्यों ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है, आर्थिक मंत्रियों की जो बैठक है क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक बातें ध्यान रख के चलना है। तो मैं यहां पॉइंट लिख रहा हूं आपके लिए, ध्यान रख के चलना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस मीटिंग के संदर्भ में रहेंगे। ओके, तो चेक करना, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट, जो पेन सेट कर लेता हूं, थोड़ा सा डिजिटल में आपको पता ही है ना, चीजें अलग हो जाती हैं। मार्किंग ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन Enhancing economic cooperation between इंडिया एंड आसियान मेंबर, ठीक है। मार्किंग एक सिग्निफिकेंट स्टेप इन एनहांसिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन, मतलब साफ है आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए हो रही है मीटिंग, ठीक है। बिटवीन इंडिया एंड आसियान मेंबरों के बीच में मीटिंग हुई, वो भी क्यों हुई, उसका मेन पॉइंट मैंने आपको बताई दिया, क्योंकि आसियान के ग्रुप्स के जो देश हैं उनके और जो भारत के जो रिलेशन है, आर्थिक संबंध है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये मीटिंग की गई है। आसियान में कौन कौन से कंट्रीज है, तो आसियान जो है बेटा वो 10 देशों का ग्रुप है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप देख के लिख लेना, आसियान में 10 कंट्रीज हैं, 10 मेंबर हैं आसियान के, ठीक है। तो 10 देश कौन कौन से हैं, नाम ध्यान रख के चलना। पहला देश आपके सामने होगा ब्रुनेई, आसियान का पहला देश हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर की जो कंट्री आसियान ग्रुप में, वो कंबोडिया होगी, ये सेकंड नंबर की कंट्री हो गई। थर्ड
थर्ड को चेक कर लेते हैं, थर्ड पे इंडोनेशिया, फोर नंबर पे लाओस, और फिफ्थ नंबर पे आप कंट्री देखें तो मलेशिया। पांच देश तो मैंने आपके सामने लिख ही दिए हैं, आप देख पाएंगे। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये वाला पॉइंट मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो नोट डाउन कर लिया है तो पांच मैंने आपके सामने यहां पे लिख दिए हैं, पांच और मैं आपके सामने नाम लिख रहा हूं, ठीक है। सिक्स नंबर की कंट्री कौन सी है इस ग्रुप के अंदर, पांच आपको दिखी गए हैं, पांच और नाम लिखता हूं। सिक्स नंबर पे आपका म्यांमार आएगा, सेवन नंबर पे फिलीपींस आता है, एट नंबर पे चेक करेंगे तो सिंगापुर, नाइन नंबर पे देखें तो थाईलैंड, और दस नंबर का देश है आपका वियतनाम। ठीक है, ओके। तो दस आसियान देश आपके सामने मैं नाम लिख दिए, दस आसियान कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है, और सीमारंग वो प्लेस है जहां पर ये मीटिंग हुई है, ध्यान रखकर चलना। भारत और इंडोनेशिया में ये जगह थी जहां पे ये मीटिंग हुई है, भारत और आसियान के देशों का ये कोरिलेशन है इकोनॉमिक, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझा दिया गया है मेरे द्वारा, मैं उम्मीद कर रहा हूं ध्यान से करके चलना है, गलती बिल्कुल ना करें। यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, कोई भी सवाल इतना आसान नहीं आएगा, बहुत टिपिकल लेवल यूपीएससी अपना क्रिएट कर रहा है, आप लगातार पेपर देखते आ रहे हो, बहुत सिंपल सिंपल पढ़ने की इच्छा ना रखे कि हाँ जी बहुत ही आसान से पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ भी अब आसान नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा अपने आप को टिपिकली चीजों पे पढ़ने की हैबिट डालो, इस चीज को मैं आपको पहले ही बता रहा हूं बच्चा, अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो आपको थोड़ा डिटेल में भी आपको पढ़ना होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा, इन आसियान ग्रुप्स को एक बार फिर चेक कर लीजिए, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच कंट्री हैज वॉन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 टाइटल, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। सवाल बहुत सिंपल सा है, फैक्ट बन के पूछा गया है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीतने वाला देश का नाम पूछ रहा है आपसे, तो इसका आंसर होगा स्पेन। तो स्पेन ने किसको हराया है आपके सामने बड़े यहां पे लिखा है, इंग्लैंड को हराया है, ठीक है, इंग्लैंड को हराया है 1-0 से, 1-0 से हराया है इंग्लैंड, इंग्लैंड को यहां पे हराकर, इंग्लैंड को हराया गया है ध्यान रख के चलना, 1-0 से हराया है इंग्लैंड को, स्पेन ने ये जीता है, ठीक है। और ये इस वर्ल्ड कप का नाइन्थ एडिशन था, ठीक है, और ये खेला गया था बच्चा 20 जुलाई से लेकर और 20 अगस्त 2023 तक ये मैच हुए थे। इसके अलावा इसको होस्ट किसने किया था, कहां पर ये होस्ट हुआ था, किसने किया था ये इस बार, इसके होस्टेड कंट्रीज कौन कौन से होंगे, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड होगा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर इस बार के फीफा वर्ल्ड कप को आयोजित किया है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ध्यान रख के चलना, ठीक है। और यह साउथ हेमिस्फीयर में होने वाला पहला वर्ल्ड कप भी है, यह ध्यान रख के चलना, ठीक है। साउथ हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में होने वाला यह पहला वर्ल्ड कप भी है, ठीक है। इट वॉज और द फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में होने वाला पहला विश्व कप भी है, नाइन्थ एडिशन था, टाइम मैंने आपको दे दिया है, जीतने वाली कंट्रीज स्पेन, हारने वाली इंग्लैंड, रनअप रही है, 1-0 से हराया था स्पेन ने इंग्लैंड को, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने होस्ट किया था,
चलिए दो सवाल आपके कंप्लीट हो जाते हैं, नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड को चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री है बेटा, कमल के फूल की नई किस्म नमो 108। ये कमल का फूल है, उसकी एक नई किस्म है, नाम है नमो 108। किस अनुसंधान संस्थान में विकसित की गई है? इन विच रिसर्च इंस्टीट्यूट द न्यू वेराइटी ऑफ लोटस फ्लावर नमो 108 हैज बीन डेवलप्ड। तो किस संस्थान में इसको विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में ये विकसित की गई है। यह आपको ध्यान रख के चलना है। अब यह है क्या? तो बेटा ध्यान रखना, यह है 108 पंखुड़ियों, जो कमल के फूल की जो कमल के जो फूल की पंखुड़ियां होती है, 108 पंखुड़ियों वाला मतलब यह 108 पंखुड़ियों वाले मतलब 108 पंखुड़ियों वाला कमल के फूल की एक नई किस्म है, यह ध्यान रख के चलना है। ठीक है, एक नई वैरायटी है, 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की एक नई किस्म है, यह ध्यान रख के चलना। इसे नमो 108 नाम दिया गया है, यह आपको पता होना चाहिए, नमो इसका नाम होगा। ठीक है, यह मार्च से और दिसंबर तक खिलती है, बस ये ध्यान रख के चलना है। मार्च से और दिसंबर तक ये खिलती है, मार्च से और दिसंबर तक। तो नाम है नमो 108, तो 108 पंखुड़ियों वाले कमल की फूल की एक नई किस्म है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करना बचा, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर नंबर देखिए, क्वेश्चन फोर है, किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? विच इंडियन ओरिजिन लीडर हैज क्वालिफाइड फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ सिंगापुर। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता प्राप्त की है, कौन है वो, कौन रहेगा, आपको ध्यान रख के चलना है। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा थर्मन षणमुगरत्नम, ये नाम है थर्मन षणमुगरत्नम, जो है वो भारतीय मूल के नेता है, जो कि सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता उन्हें प्राप्त की है। अच्छा, ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री, ध्यान रखना, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट है भाई ये, तो ये इंडियन जो ओरिजिन है उन मतलब उस कैटेगरी में इकोनॉमिस्ट है, बड़े फेमस, ध्यान रख के चलना। और वहां पे सिंगापुर का क्या सीन है, सिंगापुर में अगर चुनाव लड़ना है आपको प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का, वहां पे चुनाव लड़ने के लिए कुछ कंडीशन होती है, जैसे मान लो या तो आप पॉलिटिकल नेता होने चाहिए वहां पर, या एक बड़े बिजनेस क्लास पे आप होने चाहिए, ठीक है, रेपुटेड पोस्ट पे आप हो, पर वहां पे ये भी है कि 3 साल अगर आप कोई संस्था पे काम कर रहे हैं 3 साल से, तो आपको उस पद पर 3 इयर्स के लिए आपको रहना होता है, ये नियम है वहां पर, सिंगापुर का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने का तरीका है ये। तो ये सारी योग जो क्वालिफिकेशन आपको मैंने बताई है, वो सारी क्वालिफिकेशन ये पूरी कर रहे थे, ठीक है, और इन्होंने योग्यता प्राप्त कर ली है सिंगापुर का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। विच इंडियन एथलीट हैज बीन बैन फॉर 4 इयर्स फॉर डोपिंग। किस भारतीय एथलीट पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? डोपिंग तो आप सब जानते होंगे, नशीली दवाओं का या जो भी है, ब्लड में सैंपल मिल जाता है किसी भी खिलाड़ी के, तो वो हमारी एक एजेंसी है नाडा, आपने नाम सुना होगा, उसके द्वारा ये बैन किया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बोलते हैं उसको, ठीक है, उसने इस पे बैन लगाया है 4 साल का। तो ये बैन लगाया है नाडा ने, ठीक है, किस लगाया है, नाडा ने ये बैन लगाया है, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल
नेशनल एंटी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, ये नाडा की फुल फॉर्म है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने 4 साल का बैन लगाया है। तो कौन होगा वो खिलाड़ी जिसने जिस पर ये बैन लगा है? तो आंसर होगा दूती चंद, ठीक है, दूती चंद पे लगाया गया है बैन, ठीक है। और ये फास्टेस्ट वुमेन एथलीट है, ध्यान रख के चलना, इन्होंने 2 एशियन गेम्स 2 एशियंस गेम में इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, 2 एशियन गेम्स में इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। नाम आपको सामने है, दूती चंद, ठीक है, महिला एथलीट है, फास्टेस्ट वुमेन एथलीट मानते हैं भारत में। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के द्वारा बैन लगाया गया है, 4 साल का बैन है भाई इन पर, ठीक है। कहते हैं इनके ब्लड सैंपल जो लिए गए थे उनमें कुछ मात्रा पाई गई है, ये डोपिंग एजेंसीज के जो भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं उसके आधार पर तय हुआ है। तो उनके ब्लड में जो सैंपल लिए गए थे उनमें कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं जिसकी वजह से इनको बैन किया गया है, 4 साल के इन पर बैन लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रख के चलना। नोट डाउन कर लिया होगा उम्मीद कर रहा हूँ, देख लेना एक बार, किसी को अगर स्क्रीन विजिबल ना हो तो कमेंट में लिख के भी बता सकते हो आप, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको स्क्रीन यहाँ पर दिखे, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी, भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? क्वेश्चन ये है कि जो 3D डाकघर है उसका उद्घाटन कहां किया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा बंगलोर। अब ये 3D मुद्रित डाकघर क्या है ये ध्यान रख के चलना, तो बच्चा इसको बनाया है L&T एक कंपनी, लार्जन एंड टर्बो, आपने नाम सुना होगा, एंड IIT मद्रास का इसमें पार्टिसिपेशन रहा है, ठीक है, IIT मद्रास और L&T लार्जन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा डेवलपमेंट हुआ है भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर। अच्छा आपको लग रहा होगा 3D क्या चीज है, एक्चुअली में मशीन के द्वारा बनाया गया पूरी बिल्डिंग है, उसमें क्या है कि ऑलरेडी एक 3D प्रिंटर लगा हुआ है और उसमें इमेजेस सेट होती हैं, मतलब जो बिल्डिंग बनेगी बच्चा उसमें कोई भी कॉलम नहीं है, ध्यान रख के चलना, मतलब ये हुआ 3D प्रिंटिंग का मतलब यहां पे होता है बच्चा कोई भी कॉलम नहीं है इस बिल्डिंग के अंदर। 44 days का टाइम दिया गया था इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, 44 days का, और 42 days में ही बना के रख दी गई, लगभग 22 लाख के आसपास की कोस्ट आई इस बिल्डिंग को बनाने में, 22 लाख की, ठीक है। 3D प्रिंटिंग बना एक प्रिंटर लगा हुआ है जिसके अंदर इमेज RD पहले से फिट होती है, तो जैसे ही आप इमेज बनाओगे मशीन वैसे की वैसी स्ट्रक्चर वहां पर बना देगी, समझ में आया आपको? तो कहीं भी इसमें जोड़ नहीं है इस बिल्डिंग के अंदर और ना ही कोई कॉलम है, ठीक है। तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर है ये जो बेंगलोर में डेवलप हुआ है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाई किस कंपनी ने बनाया, तो लार्जन एंड टर्बो L&T और IIT मद्रास का इसमें पार्टिसिपेशन है, ध्यान रख के चलना। चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, अगला सवाल देखते हैं। Under-20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? अब ये कह रहा है विश्व चैंपियनशिप, अब कौन सी विश्व चैंपियनशिप है ये भी ध्यान रख के चलना है। Who has become the fourth Indian to win a gold medal in the Under-20 World Championship? कौन सी चैंपियनशिप की बात कर रहा है ये? तो बच्चा ये वर्ल्ड अंडर Under-20 रेसलिंग चैंपियनशिप की बात कर रहा है, ठीक है,
वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप की बात कर रहा है, और जो ये खिलाड़ी जीता है इसका नाम है मोहित कुमार। ये खिलाड़ी है जिसने ये विजय हासिल की है। अब हमें ये ध्यान देना है कि इस पूरी चैंपियनशिप में भारत ने कितने तो मेडल जीते हैं, कितने गोल्ड है, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक ये हुई कहां पर, ये हुई है तो हेल्ड इन अम्मान, AMAN, और ये कहां पर है, जॉर्डन के अंदर। ठीक है, ये तो है प्लेस, ये ध्यान रख के चलना, ये वो प्लेस है जहां पर ये हुई है। तो ये तो प्लेस रहेगा, ध्यान रख के चलना। ठीक है, और कितने मेडल जीते हैं, तो 14 मेडल जीते हमने इसमें। उनका रेशियो कैसे रहेगा, तो बच्चा 4 तो उसमें गोल्ड हैं, ठीक है, उसमें 3 सिल्वर हैं, और कितने बचे, 7 बचे, 7 हो गए ब्रॉन्ज, ये है, ठीक है। और जीती है मोहित कुमार, तो मोहित कुमार इस प्रतियोगिता, इस चैंपियनशिप को जीतने वाले सेकंड भारतीय हैं। पहला कौन था, ये ध्यान रखकर चलना है, ये कहां हुई है, अम्मान जॉर्डन में हुई है। 14 मेडल जीते हैं भारत ने, 4 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज हैं। मोहित कुमार जीती है, पहले ध्यान रखकर चलना। तो 2018 में दीपक पूनिया भारत के पहले ऐसे रेसलर थे जिन्होंने ये प्रतियोगिता जीती थी। पहले खिलाड़ी तो वो हैं दीपक पूनिया, ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपका मोहित कुमार होगा, ये आपको ध्यान रख के चलना है। और ये 14 अगस्त से शुरू हुई थी प्रतियोगिता, 14 अगस्त से, और 20 अगस्त 2023 को ये प्रतियोगिता हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको टाइमिंग वगैरह सब कुछ यहां पर नोट डाउन करा दिया है, एक बार आप चेक कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। पहला खिलाड़ी पूछेगा दीपक पूनिया का नाम आप करके आना, ठीक है, चलिए। और अगर वेट पूछता है कि मोहित कुमार ने कितने केजी में जीता, तो 61 केजी के अंदर ये प्रतियोगिता उन्होंने जीती है, 61 किलो वर्ग ग्राम में ये उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं। अब ये महिला पहलवान की बात कर रहा है, सेकंड भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है उसकी बात कर रहा है, तो सेकंड इंडियन वुमेन कौन बनेगी, तो आंसर करके आना प्रिया मलिक। अब देखो महिलाओं की बात हो रही, तो सेकंड भारतीय महिला है प्रिया मलिक, ठीक है, सेम प्लेस वही रहेगा। तो पहली कौन थी, ये सेकंड नंबर है, तो फर्स्ट महिला जिसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था उसका नाम है अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल है पहली महिला जिन्होंने ये पदक जीता था, ठीक है, और उन्होंने कहां पर जीता था, ये हुई थी बुल्गेरिया के अंदर, ठीक है, सोफिया बुल्गेरिया में प्रतियोगिता हुई थी ये, और ये लास्ट ईयर हुई थी, ठीक है। तब आपके अंतिम पंघाल ने पहली बार, पहली महिला थी वो जिसने अंडर 20 विश्व जो कुश्ती चैंपियनशिप है, रेसलिंग चैंपियनशिप है, उसमें गोल्ड मेडल जीता अंतिम पंघाल ने, और सेकंड आपके सामने प्रिया मलिक जिन्होंने अभी हाल ही में अम्मान के अंदर जो प्रतियोगिता हुई उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है, ये ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना ही काफी है। पहली कौन थी और सेकंड कौन सी, प्लेस मैंने आपको बताया रहा है, ये लास्ट से पिछले साल ही प्रतियोगिता हुई थी बुल्गेरिया में, तब अंतिम पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला वापस ले लिया है। विच प्लेयर ऑफ द इंग्लैंड क्रिकेट टीम हैज विड्रॉन हिज डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम ODI क्रिकेट। पहले उन्होंने अनाउंसमेंट किया था अपने रिटायरमेंट को, बट अब उन्होंने अपना जो अनाउंसमेंट था रिटायरमेंट का वापस ले लिया है।
तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जिन्होंने अपना अनाउंसमेंट को वापस लिया है? तो बेन स्टॉक्स, बेन स्टॉक्स वो खिलाड़ी है जिन्होंने अपनी अब अनाउंसमेंट की घोषणा को वापस ले लिया है। तो घोषणा कब की थी? 18 जुलाई 2022 में तो उन्होंने घोषणा की थी अपने रिटायरमेंट की। ठीक है, मतलब साफ है कि ये घोषणा जो हुई थी रिटायरमेंट की वो 18 जुलाई 2022 को हुई थी, बट अब इन्होंने अपना वापस ले लिया है और अब इन्हें न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच होने वाले हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में चुना गया है। ठीक है, अब इन्हें न्यूजीलैंड में जो मैच होने वाले हैं उसमें इन्हें चुन लिया गया है, तो इन्होंने अपना रिटायरमेंट वापस ले लिया है। क्लियर हो गया? इसका आंसर होगा बेन स्टॉक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, वेयर इज द यूथ 20 समिट बींग ऑर्गेनाइज अंडर द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? तो G20 अध्यक्षता, क्योंकि आपको पता है भारत 2022 से ही अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, दिसंबर 2022 से भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, पूरे एक साल भारत के पास रहेगी। तो जितने भी G20 मीटिंग्स होती हैं उनकी उन सब मीटिंग्स को कंडक्ट भी भारती करेगा। तो यह सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? युवा 20 शिखर सम्मेलन, यह आपको ध्यान रख के चलना है। आंसर होगा वाराणसी, यूपी। तो यहां पर यह आयोजित किया जा रहा है वाराणसी के अंदर। ठीक है, इसे भारत सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट होस्ट कर रहा है? तो इसको होस्ट कर रहा है बेटा, ध्यान रख के चलना, डिपार्टमेंट से क्वेश्चन जरूर आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है वाराणसी की इस मीटिंग को। ठीक है, और ये कब होगी? ये होती बच्चा, ये हुई है 17 से लेकर और 20 अगस्त 2023। चलिए, तो ये डिपार्टमेंट कर रहा है वाराणसी की G20 यूथ मीटिंग का। किस डिपार्टमेंट के द्वारा ये इनोग्रेट की गई है? तो ध्यान रख के चलना, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, 17 से लेकर 20 अगस्त 2023। उतार लिया होगा आप लोगों ने, नोट डाउन कर लीजिए। 10 सवाल, 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं और सभी सवाल आपको अच्छे समझ में भी आ गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 चेक कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला लॉन्च द ए हेल्प प्रोग्राम इन विच स्टेट। अब हमें यह ध्यान देना है कि एक तो ये ए हेल्प प्रोग्राम है क्या चीज, ए हेल्प प्रोग्राम है क्या चीज, ये आपको ध्यान रख के चलना है। तो ए हेल्प प्रोग्राम क्या होगा, मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। ए हेल्प क्या चीज है? तो बच्चा इस प्रोग्राम को जो करने का मकसद रहा है, पहले इसके बारे में पूरी बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग अक्रेडिटेड वर्ड आएगा, ठीक है, ACCDITED, अक्रेडिटेड एजेंट, ठीक है, फॉर, अब एस से बन गया हेल्थ, अक्रेडिट एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ
लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, देख लीजिए, अक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, मतलब पशुधन पर काम किया जाएगा इस ए हेल्प प्रोग्राम के अंदर। पशुधन तो आप सब जानते होंगे, तो जो जो पशुधन होगा, जो एनिमल्स होंगे, उनको ग्रो करने के लिए, खास तौर से लाइव स्टॉक्स की बात हम चल रहे हैं, जो दूध देने वाले पशु, मेनली उन पे फोकस किया जा रहा है। तो ये ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया गया है गुजरात, इसका राइट आंसर गुजरात होगा। ए हेल्प के बारे में बता दिया, इसमें महिलाओं की भागीदारी को बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है इस मिशन के माध्यम से, कि महिलाओं के द्वारा उन्हें ट्रेंड किया जाए ताकि घरों में जो भी लाइव स्टॉक हमारे पास हैं, जो भी हमारे पास पशुधन है, उनकी सुरक्षा, उनकी ग्रोथ पर काम किया जा सके। ये इस ए हेल्प प्रोग्राम का मेन मकसद रहेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? विच इंग्लैंड प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, तो किसने की है अपने अनाउंसमेंट की घोषणा सभी प्रारूपों से, ये ध्यान रख के चलना। तो इसका राइट आंसर होगा स्टीवन फिन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने अनाउंसमेंट की घोषणा की है, क्यों? ये इंग्लैंड के फास्ट बॉलर भी हैं, ये इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं। इन्होंने स्टीवन फिन ने अपने अनाउंसमेंट घोषणा की, रीजन क्या है? वो घुटने की चोट से बड़े परेशान थे। ठीक है, तो घुटने की चोट से परेशान है, इस वजह से उन्होंने सभी प्रारूपों से अपने अनाउंसमेंट की घोषणा कर दी है। क्लियर हो गया यहां पर आप लोगों को? समझ में आ गया होगा? बाकी और कोई सवाल ऐसा नहीं बनता कि अलग से कुछ पूछेगा आपसे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन 13, G20 फिल्म फेस्टिवल बिंग ऑर्गेनाइज किस शहर में होने वाला है? G20 फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? क्वेश्चन ये है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली इसका आयोजन प्लेस रहेगा। मैंने पहले कहा G20 की जो हम अध्यक्षता कर रहे हैं इस साल, तो जितने भी G20 प्रोग्राम्स होंगे सारे भारत में होंगे, ध्यान रख के चलना है। कौन सा डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम को कर रहा है? तो उसको करने वाला डिपार्टमेंट आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है, कब से कब होगा? ये हुआ है 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ और 2 सितंबर तक ये रहा। ठीक है, इसकी उद्घाटन फिल्म कौन सी थी, स्टार्टिंग की मूवी जो स्टार्ट की गई थी इस महोत्सव के दौरान, नाम ध्यान रख के चलना, नाम मूवी का नाम है पाथेर पांचाली। अच्छा, और इसको डेवलप किसने किया था भाई? सत्यजीत राय, सत्यजीत राय की मूवी है पाथेर पांचाली। आपसे पूछ सकता है इनोग्रेट मूवी जो स्टार्टिंग मूवी रही है, स्टार्टिंग मूवी कौन सी थी इस प्रोग्राम की? तो पाथेर पांचाली बाई सत्यजीत राय की मूवी है ये। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, 6 अगस्त से 2 सितंबर तक ये प्रोग्राम रहेगा। और आपको ये पता होगा दिल्ली के अंदर अभी G20 समिट भी होने वाली है। ठीक है, और ये समिट का टाइम दिया हुआ है 8 से और 10 सितंबर 2023, और इसलिए दिल्ली में 3 दिन का लॉकडाउन भी है, पता ना आप लोगों को? तो दिल्ली 3 दिन तक बंद रहेगी, 8, 9, 10, इस समय दिल्ली ना जाएं, 8 से और 10 सितंबर दिल्ली बंद है। ठीक है, क्योंकि वहां पर G20 समिट भी आयोजित की जा रही है, ये ध्यान रख के चलना। ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 14 देखिए, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदल दिया गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हैज बीन रीनेम एज,
क्या नाम हो गया इसका? अब इसका नाम हो गया है पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय इसका नाम हो गया है, ठीक है। तो ये था NMML, अब इसका नाम हो गया है PMML, ये ध्यान रखकर चलना। पॉलिटिकल पॉइंट है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बस ये ध्यान रखकर चलना, पहले वो किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा था तो अब वो जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा, बस इतना ध्यान रखकर चलना है। नेहरू मेमोरियल जो संग्रहालय था उसका नाम बदलकर अब PMML कर दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ये नाम हो गया है नया, बस इतना ध्यान रख के चलना, ठीक है। और ये 14 अगस्त ये काम किया गया, 14 अगस्त घोषणा हो गई है, ठीक है। तो अब इसका नया नाम आ गया है PMML, बस ये डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ NMML का नाम नया क्या हो गया, तो PMML इसका नया नाम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एशियाई विकास बैंक, शॉर्ट में कहते हैं इसको ADB, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ADB है ये, एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं इसको, के साथ साझेदारी में भारत किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए तैयार है? इंडिया इज सेट टू ओपन ए क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब इन विच सिटी इन पार्टनरशिप विद एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी में भारत किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए तैयार है? जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने के तैयार है भारत, ये बात आपको ध्यान रख के चलना है। तो इसमें नया जो राइट आंसर होगा आपका, किस शहर की बात चल रही है बेटा, तो शहर पूछा गया है तो आंसर करके आना न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में ये खोला जाएगा। किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? मकसद कुछ भी नहीं है, मकसद एक ही है, सिंपल सी बात है कि जो जलवायु परिवर्तन, भारत की जो जलवायु परिवर्तन की जो घोषणा हुई थी, ध्यान रखना चलना, जलवायु परिवर्तन पर भारत की जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में जारी की गई थी। एक पॉइंट दिया मैंने आपको, जलवायु परिवर्तन पर भारत की योजना जो जारी की गई है वो आपको पता होगा, ठीक है। एक्चुअल में जलवायु पे बड़ा प्रॉब्लम्स तो आई रही है, आप लगातार देखते हैं किस तरह से क्लाइमेट की दिक्कत खड़ी हो रही है, उस चीज से अब ADP के साथ भारत सहयोग कर रहा है और जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले स्वास्थ्य के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी कंडीशंस होंगी, उस पर ये काम होगा इस न्यू दिल्ली के सेंटर पर। क्वेश्चन ये आएगा कि भारत के जलवायु परिवर्तन पर पहली रिपोर्ट कब जारी हुई थी, तो हमारी पहली जो कार्य योजना है वो 2008 में जारी की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए, और कुछ खास नहीं है सवाल में। चलिए तो यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर ए गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है? क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल सवाल और आपको पता भी होगा, बड़ा पॉपुलर सवाल भी है ये। आंसर होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने भी हाल ही में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, ये पहले भारतीय बन गए हैं वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं नीरज चोपड़ा। अभी किस खेल से बिलोंग करेंगे तो ये ध्यान रखकर चलना, जेवलिन थ्रो, इनका जो गेम है वो जेवलिन थ्रो है, हिंदी में कहते हैं इसको भाला फेंक, जानते होंगे बेटा भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो के अंदर, इससे क्वेश्चन बन सकता है। कितने मीटर का फेंका था? 88.17 मीटर का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और ये जो प्रतियोगिता हुई थी वो कहां पे आयोजित की गई, ये ध्यान रख के चलना। तो प्रतियोगिता जो आयोजित की गई है ये की गई है
हेल्ड इन बुडापेस्ट, बुडापेस्ट पड़ता है हंगरी के अंदर, तो ये प्रतियोगिता बुडापेस्ट में हुई है हंगरी के अंदर, और जेवलिन थ्रो में 88.17 मीटर जेवलिन थ्रो फेंका है नीरज चोपड़ा ने, भाला फेंक प्रतियोगिता थी, तो गोल्ड मेडल जीता है। और सेकंड नंबर पे आपको पता होगा पाकिस्तान खिलाड़ी रहे थे, ठीक है। तो ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है, एक इतिहास बन गया है बच्चा कि भारत का पहला एथलेटिक जिसने गोल्ड मेडल जीत लिया है, अभी तक ऐसा हो नहीं पाया था। तो पहली बार भारत के किसी एथलेटिक ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, ये रिकॉर्ड अपने आप में इतिहास बन गया है, ठीक है, ध्यान रख के चलना। क्वेश्चन नंबर 17, काशी कल्चर पाथवे दस्तावेज किस ब्लॉक से संबंधित हैं? काशी कल्चर पाथवे डॉक्यूमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ब्लॉक? अब काशी के जो ये डॉक्यूमेंट है, सिंपल सी बात है, वाराणसी में अभी हमारी लगातार मीटिंग चल रही है G20 पर, तो ये G20 से संबंधित होंगे, कल्चर डॉक्यूमेंट है, ये भी ध्यान रख के चलना, ठीक है। इसका मतलब ये G20 से मतलब ये कल्चर इवेंट को फोकस कर रहे हैं। काशी कल्चर पाथवे का मतलब है जो काशी जो सेंटर माना गया है भारतीय कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उससे संबंधित ये दस्तावेज हैं। G20 विश्व के 20 बड़े देशों की मीटिंग, आपको पता होगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 है ये, जिसमें भारत भी शामिल है, और काशी कल्चर प्रोग्राम को इस मीटिंग के अंदर इनोग्रेट किया गया है, स्टार्ट किया गया था, और उसी के संबंध में दस्तावेज रखे गए, इनका नाम है काशी कल्चर पाथवे, ठीक है। चले, और कोई खास नहीं इसके अंदर, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 18, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ B20? बी मतलब देखो जी नहीं है, बी है ये, बी मतलब बिजनेस 20 है ये, ठीक है, समिट इंडिया 2023, B20 समिट इंडिया 2023 का मेजबान कौन सा शहर है, ये बताना अपन को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा B20 का न्यू दिल्ली, मेजबान है नई दिल्ली। तो विश्व पूरे वर्ल्ड के 20 बड़े बिजनेस शहर जो हैं, इसको हम बिजनेस 20 भी कह सकते हैं, ठीक है, बिजनेस 20 भी कह दो। और ये मीटिंग हुई है 25 से और 27 अगस्त 2023 को ये मीटिंग हुई, ये भी ध्यान रख के चलना है। एक ग्रुप बनाया गया है इसके अंदर, ये ध्यान रख के चलना, एक पूछ सकता है ट्रॉयका क्या है, तो ट्रॉयका 3 देशों का ग्रुप है जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनका ग्रुप है ये, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रहे हैं ये देश मिलकर, ठीक है। तो ट्रॉयका डेवलप हुआ है इसमें, इसमें आपका इंडिया आएगा, भारत, इंडोनेशिया, इंडिया होगा ट्रॉयका के अंदर, इंडोनेशिया होगा एंड ब्राजील, 3 देशों को मिलाकर ये ट्रॉयका बनाया गया है, ठीक है। तो 3 डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको मिलाकर ये ट्रॉयका ग्रुप बनाया गया है, ये विकसित देशों के साथ लगातार ग्रोथ की और प्रोग्रेस लेते जा रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस 20 ग्रुप है पूरा, जिसकी मीटिंग दिल्ली में हुई है। ट्रॉयका पूछ सकता है ट्रॉयका क्या है, तो 3 देश का ग्रुप है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर वॉज ग्रांटेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर बाई ग्रीस इन 2023? 2023 में ग्रीस द्वारा किस शहर के, किस देश के प्रधानमंत्री को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्रदान किया गया? तो किस देश के प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया है? ग्रीस के द्वारा दिया गया है, ग्रीस मतलब यूनान, आपको पता ही होगा। तो इंडिया के प्रधानमंत्री पीएम मोदी साहब को यह ऑनर दिया गया है, तो यह ध्यान रखना कि यह ग्रीस का एक सम्मान है, ठीक है, ग्रीस का एक विशिष्ट सम्मान बोलेंगे इसको, ठीक है, यह ग्रीस का एक विशिष्ट सम्मान है, ठीक है, जो भारत और यूनान, इन ग्रीस, जो भारत और ग्रीस की
भारत और ग्रीस की साझेदारी की ताकत को दर्शाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इंडिया और ग्रीस की जो पार्टनरशिप हुई है, इंडिया और ग्रीस की कोरिलेशन, उस पार्टनरशिप को दर्शाएगा जो ये सम्मान दिया गया है। ग्रीस का बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड माना गया है। ठीक है, इसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। इस पूरे उस ऑर्डर का नाम है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को यह दिया गया है, यह भी ध्यान रखना। तो इंडियन जो पीएम है, इंडियन पीएम को यह दिया गया है। ठीक है, यह आपको ध्यान रख के चलना है। कर पाओगे आराम से? मोदी साहब को यह अवार्ड दिया गया है। तो अभी हाल ही में किस देश ने अपना सबसे इंपॉर्टेंट या बड़ा फेमस अवार्ड दिया है भारतीय प्रधानमंत्री? तो ग्रीस ने दिया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन 20, विच इज द टॉप स्टेट फॉर एग्जाम्पली परफॉर्मेंस इन द स्मार्ट सिटीज मिशन इन 2022। 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए शीर्ष राज्य कौन सा है? सिंपल सवाल है। स्मार्ट सिटी मिशन में मध्य प्रदेश का नाम आएगा, एमपी शीर्ष राज्य में आपका नंबर वन पे रहेगा। अच्छा, इसे किसने इस जो ये जो अवार्ड दिए गए हैं स्मार्ट सिटी मिशन के रिगार्डिंग, कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, ये अवार्ड किसके द्वारा स्टार्ट किए गए थे? तो ये स्मार्ट सिटीज अवार्ड है, ध्यान रख के चलना। स्मार्ट सिटीज ये स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2023 है। ठीक है, और इन्हें ऑर्गेनाइज किया था द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री के द्वारा इन्हें स्टार्ट किया गया, द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, ये ध्यान रखना। और इसमें मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है उसे सबसे स्वच्छ, सबसे क्लीन सिटी माना गया है। सबसे क्लीन सिटी का अवार्ड इंदौर को दिया गया है द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2023 प्रारंभ किए गए, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। राइट आंसर बी हो गया, मध्य प्रदेश। 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, धौलपुर करौली किस भारतीय राज्य का हाल ही में स्वीकृत बाघ अभयारण्य है? धौलपुर करौली इज द रिसेंटली अप्रूव टाइगर रिजर्व ऑफ विच इंडियन स्टेट? बहुत सिंपल सा है, राजस्थान। तो ये दोनों क्षेत्र राजस्थान में है, धौलपुर करौली, और ये दोनों जो एरिया है यहां पर एक टाइगर रिजर्व डेवलप किया गया है राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब इस हिसाब देखी जाए तो ये इंडिया का 54 टाइगर रिजर्व रहेगा। 54 ध्यान रख के चलना, टाइगर रिजर्व होगा ये 54, और राजस्थान के संबंध में ये कौन सा है? फिफ्थ। राजस्थान का फिफ्थ नंबर रहेगा और इंडिया का ये 54 टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। नोट डाउन करके चलिए, आपके लिए आसान रहेगा पॉइंट। आगे देखिए, क्वेश्चन 22, विच मूवी वॉन द बेस्ट फीचर्स फिल्म अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड इन 2023। 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर होगा रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये जो मूवी है इसने जीता है इस बार का 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है।
और इस मूवी में मेन जो हीरो थे वो आर माधवन थे, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था इस मूवी के अंदर, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट में, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी अवार्ड आपको जानना है, एक तो आपको पता होना चाहिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है। तो बेस्ट एक्टर इस बार कौन रहे हैं? अल्लू आपका अर्जुन, ठीक है। मूवी कौन सी है? पुष्पा, ठीक है। डायलॉग तो सब पता ही होगा ना, क्या डायलॉग था वो तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है। अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है। ओके, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? ये दो अभिनेत्री हैं, एक तो आलिया भट्ट है, इनकी मूवी का नाम पता होगा गंगूबाई काठियावाड़ी, उसके लिए मिला था इनको आलिया भट्ट को। और एक और इनके साथ हैं कीर्ति सेनन, इनको मिमी के लिए मिला है, ठीक है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कीर्ति सेनन को मिला है मिमी के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दो अभिनेत्रियों को साझा करके दिया गया है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन, और मूवी तो आपके सामने है रॉकेटरी, ठीक है। द नमी इफेक्ट, आर माधवन की बड़ी अच्छी भूमिका थी इस मूवी के अंदर। बहुत ही पॉपुलर सवाल रहेगा ये, ध्यान रख के चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप तैयार जरूर करें, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। लूना 25 इज द लूनर मिशन ऑफ विच कंट्री? लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन है? आंसर होगा रशिया। ये रशिया का मिशन था लूना, आपने नाम सुना होगा इस मिशन के बारे में, आपको आइडिया भी होगा इस मिशन के बारे में, आपको आइडिया होना चाहिए। ये लूना 25 जो है बेटा, ये आपका लूनर लैंडर मिशन है, ठीक है। अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था लूनर लैंडर मिशन, रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसको भी चंद्रमा के साउथ पोल पर ही उतरना था, जहां भारत ने अभी झंडे गाड़े हैं। पता होगा आप लोगों को, भारत का चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंच गया है। आप और हम सब भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है, ठीक है। लूनर साउथ पोल पर जो रशिया का लूना 25 था, ये नहीं पहुंच पाया था। ऐसा माना जाता है कि चांद से टकरा गया था, ये चांद से टकरा कर ये खत्म हो गया, ठीक है भाई। तो ये सक्सेसफुल अभियान नहीं है, फेल अभियान है ये, ठीक है। लूना 25 एक फेल अभियान है, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं खाली डायरेक्ट पूछ सकता है किस देश से संबंधित है, तो रशिया करके चलिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 24। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCF और SE का मसौदा तैयार करने के लिए गठित संचालन समिति का प्रमुख कौन है? हु इज द हेड ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी फॉर्म टू ड्राफ्ट द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE? तो इस समिति का प्रमुख पूछा गया है, तो आपको प्रमुख का नाम ध्यान रख के चलना है। तो इसका नाम है के कस्तूरी रंगन, ये नाम होगा ध्यान रख के चलना। और ये जो प्रोग्राम जो ये किया गया है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का मसौदा जो तैयार किया गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बिल्ड किया गया है, इसको बिल्ड किया गया है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसे प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। और ये कस्तूरीरंगन कौन है, ये भी आपको पता होगा, NEP 2020 जो हुई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी 2020, उसके चेयरपर्सन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरपर्सन है ये, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में बनाई गई थी उसकी ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरपर्सन है के कस्तूरी रंगन। इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा
का मसौदा तैयार करने के लिए गठन समिति का प्रमुख इन्हें बनाया गया है, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, एक चीज जो ध्यान देना है कि सवाल तो सेम वही बढ़ा गया है, एनसीएफ ई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, एक बार ध्यान रख के चलिए। ओके, आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। तो यहां पे लिखा हुआ है कि जो एनसीएफ ऐसे बनाया गया है उसके चेयरपर्सन यही हैं, एनईपी 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसके भी ये चेयरमैन थे, सेम वही इनकी पोस्ट यहां पर भी रखी गई है। ठीक है, तो इनका आंसर होगा के कस्तूरी रंगन, आपको ध्यान रख के चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को एक बार चेक कर लेते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट स्पॉटलेस जिराफ वॉज बॉर्न इन विच कंट्री, बहुत बढ़िया सवाल, विश्व का पहला स्पॉटलेस जिराफ किस देश में पैदा हुआ था। अब भाई सोचने वाली बात यह कि जिराफ कभी भी ऐसे नहीं होंगे जिन पे धारियां ना हो, जिन पे स्पॉट ना हो, पर ये स्पॉटलेस है। ठीक है, कोई धारी नहीं, बिल्कुल प्लेन है ये, थोड़ा डार्क कलर का है। ठीक है, ये हुआ है बच्चा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करके आएंगे आप, यूएसए अमेरिका। ठीक है, इसका आंसर यूएसए होगा, और ये वहां का एक चिड़ियाघर है, टेनेसी का लाइम स्टोन में ब्राइट चिड़ियाघर है। ठीक है, ब्राइट्स चिड़ियाघर में ये पैदा हुआ है, और इस पर बड़ी रिसर्च चल रही है कि ऐसा कैसे ये हुआ है। तो स्पॉटलेस जिराफ होगा, ये आपको ध्यान रख के चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को एक बार चेक कर लेते हैं। अफ्रीकी संघ ने किस देश को संवैधानिक व्यवस्था की प्रभावी बहाली तक निलंबित कर दिया भाई? द अफ्रीकन यूनियन हैज सस्पेंडेड विच कंट्री अंटिल द इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर। अफ्रीकी संघ ने किस देश को संवैधानिक व्यवस्था की प्रभावी बहाली तक निलंबित कर दिया है? तो किसको निलंबित किया यह ध्यान रख के चलना। तो आंसर होगा नाइजर को निलंबित किया है। ठीक है, टोटल मेंबर जो अफ्रीकन संघ में है वो है 55, अब एक बार हो गया तो 54 रह गए। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी अफ्रीकन संघ एयू, इसका नाम है एयू, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना हुई थी, कहां हुई थी? डरबन में हुई थी, अफ्रीका। ठीक है, डरबन साउथ अफ्रीका में इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रख के चलना, 2002। और अब इसमें टोटल 55 कंट्री, अभी इसको कुछ समय के लिए बाहर किया जब तक कि मामला सही ना हो जाए संवैधानिक बहाली, क्योंकि आपको पता होगा कि इन देशों के अंदर सत्ता में सेना ने अपना हस्तक्षेप किया है और वहां के जो राष्ट्रपति उनको अपदस्त कर दिया था। ठीक है ना, इस वजह से ऐसा किया गया है। तो नाइजर में ये अपनाया गया, जब तक माहौल शांत नहीं होगा तब तक ये बाहर रहेगा एयू से। ठीक है, चले पूछ सकता है कितने मेंबर है एयू के अंदर या उसकी स्थापना कब हुई, कहां हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2023 इवेंट, विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा देश है? आपको बताना है विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम का मेजबान बताना है कौन सा देश है। तो आंसर होगा स्वीडन, स्वीडन वो देश है जो विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम का मेजबान है। ठीक है, ये प्रोग्राम हुआ कहां पर है? तो ये हुआ है बच्चा स्टॉकहोम के अंदर हुआ है, स्टॉकहोम स्वीडन। कब से कब हुआ है? 20 से लेकर 24 अगस्त 2023। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम था, ध्यान रखकर चलना। ठीक है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशन।
इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर ए वाटर वाइज वर्ल्ड, ठीक है, ये इसकी थीम है। सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर ए वाटर वाइज वर्ल्ड, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में ये हुआ है। विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में और किस देश में हुआ है आपको पता होना चाहिए। कब से कब है मैंने आपके सामने टाइम दिया, थीम भी आप बता दी कौन सी इसकी थीम रहेगी। थीम पे सवाल आजकल यूपीएससी दे रही है तो थीम को थोड़ा ध्यान रख के चलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को चेक कर लेते हैं। NBRI नमो 108, तो आइए बड़ा सवाल बहुत सिंपल सा, ये वर्ड हमारे पास पहले भी आ चुका है। 108 पंखड़ियों का ये कमल का फूल होगा तो लोटस इसका आंसर होगा, इस पे हमारी बात हो चुकी है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहां पे, ठीक है भाई, सेम सवाल था बस खाली सवाल को चेंज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, विच प्लेयर वॉन द टाइटल ऑफ चेस वर्ल्ड कप 2023, शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। आंसर मैग्नसन कार्लसन, और किसको हराया है तो पता ही आपको, भारत खिलाड़ी है आर प्रगना नंदा को हराया है, ये आपको पता होगा, 18 साल खिलाड़ी भाई साहब ये, ठीक है, और इस खिलाड़ी ने मैग्नसन कार्लसन को बहुत बढ़िया टक्कर दी थी, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आंसर होगा मैग्नसन कार्लसन, और ये किस देश के खिलाड़ी हैं ये पता होना चाहिए आपको, तो ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। ठीक है, इनका संबंध नॉर्वे से होगा मैग्नसन कार्लसन का, ठीक है, और आर प्रगनंद को हराया है, ठीक है। चलिए लास्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन ये है, तो नया अध्यक्ष बनाया गया है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को, ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष, शॉर्ट में आप चाहो तो उसको एनजीटी कह सकते हो। अभी हाल ही में एनजीटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। ये कौन है बच्चा, तो ये फॉर्मर सीजे हैं, चीफ जस्टिस हैं, कहां के, ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है, ये फॉर्मर सीजे हैं, चीफ जस्टिस हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, उनको एनजीटी का अध्यक्ष बनाया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं ये जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक। ओके बच्चों, तो आज की एक करंट अफेयर्स का पूरा सेट था, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पूरा पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। एक एक सवाल को ध्यान से देख के चलना, फिर भी कोई डाउट होता है तो बेटा आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक पॉइंट, हर एक पॉइंट पे जो मैं आपको एडिशनल भी लिख रहा हूं, उन सबको आप अच्छे से तैयार करना, ये बहुत जरूरी है। इस बार का आपने पेपर देखा है, पेपर का स्टैंडर्ड, पेपर का जो लेवल है वो काफी ऊंचा है, इतना आसान नहीं है पेपर, इस बात का भी ध्यान रख के चलना है, तो हर एक पॉइंट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। गुड लक बच्चों, काइंडली सब्सक्राइब डीडे यूट्यूब चैनल and don't forget to press bell icon.